हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है अंशिका का। ये कहती हैं, लव गुरु जी, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ लेकिन ब्यूटिशियन का काम करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले हैं कि कहते हैं लड़कियों का काम करना गलत है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। लेकिन मेरा मन है कि मैं कुछ करूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और ब्यूटिशियन तो अलग काम नहीं है, वो कहीं पर रह के कहीं भी किया जा सकता है। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, घर पे ही रह के कर सकती हूँ। लेकिन घर के लोग हैं जो अभी भी पुरानी सोच को लेकर के इन सब बातों के लिए रोक लगाते हैं। मैं क्या करूँ? अंशिका जी, देखिए, आपने जो सब्जेक्ट यानी जो भी मनपसंद अपना ये ब्यूटिशियन वाला काम पसंद किया है, इसको तो सभी लोग परमिशन दे देते हैं। बहुत रूढ़िवादी सोच के लोग भी होते हैं ना, तो वो भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ये कर लो। कि कुछ चीज़ें हैं ना लड़कियों के नाम पे एकदम फिट बैठती हैं, जैसे ब्यूटिशियन है, सिलाई कढ़ाई है, और नर्स है, एनम है, आंगनबाड़ी है, इन चीज़ों के लिए परमिशन दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ब्यूटिशियन का काम करना चाहती हो तो घर वालों को परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ अलग हटके नहीं मांग रही हो, आप घर पे रह के ये काम कर सकते हो। तो थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि आपके घर वालों को कुछ डर या आप पे विश्वास नहीं है, तो आप उन पर अपना विश्वास जगाने की कोशिश करिए, वो आप पर भरोसा करें, उनको यकीन दिलाइए और आप अपने काम में आगे बढ़िए। क्योंकि आजकल ब्यूटिशियन का काम तो गली गली जगह जगह हो रहा है और सब लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके घर वाले भी परमिशन दे देंगे। लेकिन थोड़ा सा और उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनके मन की बात निकालने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं, क्यों नहीं करने देना चाहते हैं, वो ज़रूर आपको परमिशन दे देंगे। थोड़ा कोशिश करिए। आज का दूसरा सवाल है अंतिम का। कहते हैं कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ना मुझे उस लड़की से मिलने नहीं देते हैं। जब से उन लोगों को पता चला है हमारे प्यार के बारे में, हर टाइम मुझ पर नज़र रखते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे पीछे एक CID लगा देते हैं और हर वक्त मेरा पता, मेरी लोकेशन देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन चेक करते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं उस लड़की से भी बहुत प्यार करता हूँ और परिवार वालों से भी। मेरा समझ में नहीं आ रहा। अंतिम जी, नहीं पाबंदियाँ, वो भी लड़के के ऊपर। लड़कियों के ऊपर तो लोग करते हैं, लड़के के ऊपर भी इतना ज़्यादा पाबंदियाँ लोग लगा सकते हैं, वो आपसे पता चल रहा है। खैर, जब प्यार ही किया है तो डरना क्या। आप कहते हैं ना कि दोनों से आप इतना ही प्यार करते हो, तो बस आप दोनों से ही प्यार करिए। अपने प्यार को धोखा भी मत दीजिए और उधर से बैकअप भी मत करिए। और अपने घर वालों से थोड़ी सी बात करिए, भरोसा जीतिए, उनसे कहिए कि आप उसी से प्यार करते हो, उसके बगैर नहीं रह सकते हो, उससे शादी करना चाहते हो, जो भी आपके मन में है वो सारी बातें खुलकर अपने घर वालों से बोलिए और उन्हें समझाइए, शायद वो मान जाए। क्योंकि हर माँ बाप, हर परिवार अपने बच्चों की खुशी चाहता है, और अगर वो आपसे सच में बहुत प्यार करते होंगे तो वो आपकी बात को समझेंगे और आपको परमिशन देंगे उस लड़की से मिलने की या शादी करने की, जो भी आपकी मर्जी होगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कोई सवाल लव से जुड़ा, रिश्ते से जुड़ा, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlehriya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।